हरी वन दिस इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग फिट विद सोनिया अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही यमी वाली रेसिपी मैं लाई हूँ आपके लिए ओट्स की रेसिपी ओट्स तो हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे होते हैं स्पेशली अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट मेनटेन करना चाहते हैं तो दोनों ही केसेस में ना ओट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं ओट्स जो है वो बहुत अच्छा एक एंटी माना जाता है ओट्स के अंदर देखिए बहुत सारे वाइटमिनस होते हैं मिनरल्स होते हैं तो ओट्स के अंदर वो सब कुछ है जो आपकी बॉडी को चाहिए और वेट लॉस जो आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ ओट्स को अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए मैंने भी एक ये बहुत बड़ा चेंज है जो अपनी डाइट में किया था एवरी डे में कुछ ना कुछ ओट्स का ज़रूर लेती थी, थी तो आज मैं आपके लिए लाई ओट्स और बनाना की स्मूथी तो देखिए ये जो ओट्स की स्मूथी है ना ये बहुत ही ईजी है बहुत ही सिंपल है बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है अगर आप एक बहुत बिजी हाउस वाइफ हैं या फिर आप एक वर्किंग वुमेन है और दोनों ही केसेस में होता है ना कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये एक बहुत ही अच्छा आपके लिए फूड है एक बहुत ही अच्छा मील है जो बिल्कुल आपका टाइम नहीं लेगा आपके टमी को फुल कर देगा और आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देगा तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए मेरे किचन में और मैं आपको बताती हूँ कि कैसे बनानी है ओट्स और बनाना की हेल्दी स्मूदी तो गैस को ऑन करेंगे सबसे पहले हम और ये एक पैन मैंने इस पर रखा है और जो गैस है वो आपको लो टू मीडियम ही रखनी है तो यहाँ मैं ले रही हूँ तीन बड़े चम्मच आप ले सकते हैं थ्री टेबल स्पून ओट्स और बस आप इन्हें धीरे धीरे से रोस्ट कीजिए ज़्यादा आपको नहीं करना है सिर्फ हल्का ही रोस्ट करना है बिल्कुल ऐसा हल्का सा गोल्डन ब्राउन इतना और देखिए ओट्स को ना रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है या तो आप इसे रोस्ट कर लीजिए या आप इसे सोक भी कर सकते हैं क्योंकि ओट्स को अगर आप रोस्ट करते हैं या सोक करते हैं तो ओट्स के अंदर ना साइटिक एसिड कंटेंट होता है तो ये रिलीज हो जाता है और ये हमें डाइजेस्ट करना थोड़ा ईजी हो जाता है इसीलिए रिकमेंड करते हैं कि ओट्स को आप सोक करें या रोस्ट करें फिर ये हमने ले लिया है एक मीडियम साइज़ का बनाना और इसे बस आप अपने ब्लेंडर जार में ओट्स के साथ में डाल दीजिए और देखिए ये जो रेसिपी है ना इस रेसिपी में मैं कोई मिल्क भी यूज़ नहीं कर रही हूँ जी हाँ इसमें ना कोई मिल्क है ना कोई शुगर है तो बस बनाना के बाद हमने फाइव टू सिक्स आलमंड्स ले लिए हैं और पानी पानी आप एक ग्लास या थ्री फोर्थ ग्लास पानी ले सकते हैं और उसके बाद बस अब इसे हम ब्लेंड 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 करेंगे तो बस ये मैंने लगा दिया है जार और ये हो गया ब्लेंड मैंने यहाँ किसी भी तरह के मिल्क का यूज नहीं किया है तो पीसीओएस और पीसीओडी वाले लोग भी इसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं वो भी इसे अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं तो ये हमारी स्मूदी हो गई है रेडी अब हम इसे ग्लास में डाल देंगे दैट्स इट अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और जो भी अपना वेट लॉस करना चाहते हैं क्योंकि मेरी जर्नी में इस स्मूदी का बहुत बड़ा एक योगदान रहा है ये कुछ चिया सीड है जो मैंने सोक करके रखी थी तो आप एक टीस्पून ले सकते हैं और अब हम इसमें कुछ सीड्स डाल देंगे जो वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से सनफ्लावर सीड और पम्किन सीड्स उसके बाद आपको जो भी नट्स अच्छे लगते हैं और वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं आलमंड या वॉलट मैं यहाँ पर थोड़े से वॉलट और आलमंड का मिक्सचर ही डाल रही हूँ दैट्स इट स्मूदीज़ रेडी